If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फावाद और आज मैं जो वीडियो देखने जा रहा हूँ वह मेरे फेवरेट यूट्यूबर बीबी की वाइंस का नया वीडियो। उन्होंने अपना नया सेगमेंट स्टार्ट किया है टीटू टॉक्स और उसके जो पहले गेस्ट थे वो थे शाहरुख खान। और शाहरुख खान अपनी फिल्म की मार्केटिंग भी कर रहे हैं इस वक्त, उनकी जो मूवी ज़ीरो रिलीज़ होने वाली है अभी कुछ ही दिनों में। और मेरे चैनल पर भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इस वीडियो पर भी रिएक्शन दिया जाए, तो आपकी ख्वाहिश और अपनी ख्वाहिश को मिला के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बिना कोई टाइम जाए कि आइए वीडियो देखते हैं। कहती थी कि टीटू बेटा तू बहुत अच्छा था। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि टीटू बेटा तू बहुत अच्छा सुनता है, यू आर अ गुड लिसनर। पहले तो मुझे लगा कि इनडायरेक्टली कुत्ता बुला रही है, तो किस बात का 40 रुपए ले रहा है बे? 40 रुपए पहले तो मुझे लगा इनडायरेक्टली कुत्ता बुला रही है। फिर मुझे एहसास हुआ मैं तो सिर्फ 2 साल का हूँ, अच्छा तो सुनूंगा ही, क्योंकि मैं जैसे ही कुछ बोलता था दूध की बोतल मेरे मुंह में, चॉकलेट मेरे मुंह में। वो आखिरी बार था जब मैंने कुछ मुंह में लिया है, उसके बाद मैंने सिर्फ दिया है करारा जवाब, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि बोलना कितना जरूरी है और वो भी सच, क्योंकि लोग आपको जब हल्के में लेते हैं ना, जब आप सच बोलते हो तो वो आपसे दूर भागने लगते हैं। तो यही जिंदगी का असली फंडा है और इसी के साथ मैं अपना सारा जीवन बिताता हूँ। क्या बिताता हूँ? वेरी वेरी टैलेंटेड मैन। बैठ जाइए, सबको गाली खाने का मौका मिलेगा। बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं, चल भाई बंद कर, क्या कर, टैलेंट है। मुझे हमेशा से एमसी बनना था। एमसी मतलब होस्ट, एंकर। मैं आज तक अपनी लाइफ में किसी सेलिब्रिटी से नहीं मिला, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन एक बार मैं अमित जी के घर के बाहर जाके खड़ा हुआ भीड़ में, तो मैंने देखा देखूं कैसे दिखते हैं रियल लाइफ में। तो फिर एक लंबा चौड़ा आदमी आया और उसने अपना हाथ हिलाया, मैंने कहा मेरा ख्वाब पूरा हो गया, मेरे सामने बच्चन साहब है। लेकिन फिर ध्यान से देखा तो देखा वो उनका सिक्योरिटी गार्ड था, जो कह रहा था चल भाई यहाँ से निकल, मैं चाटा मारूंगा। खैर, आज के हमारे मेहमान वो हैं जिन्होंने टूटे हुए जांच के सामने रोमांस करने का गूदा रखा है, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि चलती ट्रेन में समोसे कैसे बेच सकते हैं। शाहरुख खान जिनके घर के बाहर इतनी लंबी लाइन लगती है कि राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन साला फेल हो जाए। इनके जूते में ही मैग्नेट नहीं है, असल जिंदगी में भी चिक मैग्नेट है। और इन्होंने अपने 26 साल के बॉलीवुड करियर में बस 26 साल ही राज किया है, बस 26 साल। पापा और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते थे जो शाहरुख खान। थैंक यू वेरी मच टीटू, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी तुमने मुझको। अरे भैया लगता है काफी रिसर्च किए तुमने। अरे गूगल पे अगर आप किंग लिखोगे तो पहले 4 रिकमेंडेशन आपके नाम पे है, 5वें नंबर पे किंग कॉन्ग आता है। मुझे अपने नाम को गूगल करने की क्या जरूरत है? सही बात है, क्यों क्या जरूरत है भाई। वैसे बहुत लोगों को पता नहीं है लेकिन मैं कई बार। अच्छा, मैंने तुम्हें काम पर रखा था किसी? मुझे पता था। अरे बिस्किट खाने लायक है भी नहीं। ये देखो, ये खड़ा हूँ मैं बगल में, ये देखो। अच्छा, ओ टॉयलेट साफ करने आए थे तुम, मैं जल्दी से गार्ड ना समझा तुम। तो बेटा लोग, आज मैं शाहरुख भाई से बहुत कैजुअली बात करूंगा, कुछ सवाल है मेरे मन में और कविता के मन में। कविता कौन है? मेरी गौरी। गौरी? हाँ, भगवान की दया से तो बच्चे भी नहीं है। तो भी कैसे सकते हैं? अरे नाना, नॉलेज पूरी है, कविता तो मुझे रोज हिंदी देती है, सुबह सुबह उठते ही गाना चला देती है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरा नाम भी टीटू है, नहीं चला देता हूँ बन के तितली में उड़ा। ये बात की मुझे बेहद खुशी है कि अरे यार इतनी दूर से आए हैं, चाय कॉफी बंटा शराब कुछ तो पूछ लो। चाय कॉफी बंटा शराब कॉफी कॉफी ओके। तो मैं क्या कह रहा था,
कॉफी कॉफी चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा, अरे कब खाली है? अरे तुमने कितनी बार बोला इसमें चाय कॉफी शराब कुछ तो रखा। अच्छा। ब्लैक कॉफी, एक ब्लैक कॉफी और एक कड़क अदरक वाली चाय। तुम बिना ब्लैक कॉफी क्या करो? अरे नाना सिर्फ चाय, खून से ज्यादा चाय दौड़ती है मेरे जिस्म में, उसके बिना काम होता ही नहीं। तो सुबह सुबह चाय पत्ती निकलती होगी। वैसे मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, लोगों को आपकी फिल्मों के डायलॉग इतने याद हैं, आपका कौन सा अपना सबसे फेवरेट डायलॉग है? वैसे तो यार अगर बाजीगर से फरमाइश करूँ मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है फिल्म बाजीगर में से। देखा? बड़ा अच्छा लगता है। यू दैट मैं सुनाऊं? बिल्कुल, तुम नहीं भी बोलते तो सुनाता मैं। नहीं मेरा हाथ है। अच्छा, यहाँ था डायलॉग है कि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। और दिवाली पे जो छुट्टी पे चला गया उसको कारीगर कहते हैं। तुम मेरे डायलॉग की ना धजिया में उतरा, बड़े कीमती है मेरे डायलॉग। मुझे His wife didn't marry him, Roman. क्या पेपर चाहिए? अरे वो भाभी इंटीरियर डिजाइनर है ना। हाँ। मुझे भी अपने घर को स्वर्ग बनाना है, उनको अगर आप बोल दोगे कि प्लीज मेरे घर की इंटीरियर डिजाइनिंग कर दे तो मेरा मनमन भी थोड़ा जन्नत लगने लगेगा। वैसे छोटे मोटे घरों की ना ऐसे मुरम्मत नहीं करती, उसको महल वेल नहीं बना सकती। और वैसे भी तू क्या करेगा स्वर्ग बना के? तेरे पास जो आते हैं उनको चाय तो पूछता नहीं है तू। अरे चाय नहीं आई अभी तक, पहले एपिसोड में बेइज्जती करवा दो मेरी। अरे तो जेब में 20 रुपए नहीं होते क्या? और एडवांस जो मिलता है उसकी क्या बत्ती बनाते हो? साढ़े कोई 20 रुपए पैसे मेरे पास है बिल्कुल जीरो जीरो जीरो। मार्केटिंग बिल्कुल मेरी जेब खाली है, जीरो मेरे पास कार्ड है। प्रमोशन करना कोई इनसे सीखे, प्लगिंग करना कोई इनसे सीखे। बात पूछनी है मुझे आपसे, ये बादशाह नाम कैसे पड़ा? जैसे हम सुनते हैं कि अक्षय भाई को सब खिलाड़ी बुलाते हैं, संजय सर को सब बाबा बुलाते हैं, सलमान भाई को भाई बुलाते हैं, रितेश देशमुख को रितेश देशमुख बुलाते हैं, वैसे आपका नाम बादशाह कैसे पड़ा? बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैं एक्चुअली ना क्या है सबके दिलों पे राज करता हूँ। कभी राहुल बन के, कभी विजय बन के, कभी रवि बन के, कभी कभी राज करता हूँ। जो राज करता है वो राजा होता है, उर्दू में उसको बादशाह कहते हैं, इसलिए मेरा नाम बादशाह पड़ गया। तभी लड़कियां पागल हैं आपके पीछे। अरे मुझे कोई टिप दो ना, मेरी वाइफ को इम्प्रेस करने का, परसों बर्थडे है उसका। ठीक है तो कविता के पास जा, जाकर उससे वो 3 वर्ड्स बोल दो। चल पैसे निकाल। नहीं का धंधा नहीं, पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल। नहीं कविता, कल 3:30 बजे तक मैं तुमसे नफरत करता था, पौने 4 बजे मैं तुमसे मोहब्बत हो गई। आई लव यू। कल 3:30 बजे मैं तेरे से नफरत करता रहा, पौने 4 बजे आई लव यू। अबे ऐसे थोड़ा बोलते हैं, भक्ति मांग रहे हैं प्यार से बोल। दैट इज सो हिलेरियस। लव यू, आई लव यू। अच्छा रे ना, ये मत तो ऐसा करना, इसके इसके बजाय तो बोलना, जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। प्यार से बोलना, जैसे अभी सिखाया था। जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू, तू मेरी कविता, मैं तेरा टीटू। अरे वाह, अरे क्या बता दिया सर, क्या बता दिया। अरे चंपू वो टूट हो जाएगी कविता। अच्छा शाहरुख भाई, ये जो बच्चे जी शो देख रहे हैं इनके साथ एक मसला है, ये 2-2 बजे तक सोते नहीं हैं, कुचू कुचू सोना मोना करते रहते हैं। आप उनको क्या बोलना चाह रहे हैं आप बताइए। तो यार मैं तो खुद वैसे ही यार रात भर सोता नहीं हूँ, 5-5 बजे तक जागता रहता हूँ, तो मैं किसी को क्या नसीहत दे सकता हूँ। अगर फिर भी अगर आप बच्चे लोग जाग भी रहे हो ना, तो थोड़ा सा प्लीज लिमिट में रहो यार। क्या है ना, जैसे टीटू ने मुझे सिखाया है कि दूसरों के गड्ढों के चक्कर में अपनी आंखों के गड्ढों पर थोड़ा सा ध्यान। डिंपल्स की बात करो। तुझे भी जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। अरे उठता हूँ ना मैं आपको, कभी कभी 4 बजे एडजस्ट करके करवट ले लेता हूँ। क्या एडजस्ट करके? अभी ले लेते हैं, 6 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। क्या आपने कभी सस्ता होटल में किया है बुकिंग? मेरा सर से एक बहुत जरूरी सवाल है, आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ से टैटू रिमूव हो जाए?
नहीं यार टीटू सॉरी, मैंने कभी ना टैटू करवाया ही नहीं अपने ऊपर, तो मुझे कैसे पता होगा कि उसको रिमूव कैसे करते हैं। मैंने कभी करवाया। झूठ बोल रहे क्यों? अरे मेरा एक दोस्त है, उसने अपने पीठ के पीछे पेड़ का पत्ता बनाया है, तो मैंने कहा ज्यादा पानी मत दियो नहीं तो पेड़ उग गया तो झाड़ रूट्स कहीं पर भी घुस सकती है। अरे भाई मैंने जीरो का ट्रेलर देखा, चलो भाई जीरो का ट्रेलर देखा मैंने, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बहुत मजा आया यार मुझे टीटू, उसी को तुम फिल्म जरूर देखना यार अगर तुम्हें वक्त मिले तो, हाँ जाकर, और बहुत मज़ेदार फिल्म है, और पता है अपने से छोटा अपने से कम, क्योंकि हम तुम हम सब के सब थोड़े थोड़े कमतर ही हैं यार, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कमियों में हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और एक ही ज़िंदगी मिली है उसको जी लेना चाहिए। तो बउआ का जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही है यार कि जीरो को एक तरफ से देखो तो कुछ नहीं, जीरो को दूसरी तरफ से देखो तो पूरा कंप्लीट है। तो ये एक्सपीरियंस मुझको बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी फिलॉसफी तुम्हारी समझ में नहीं आई होगी बट फिर भी तो मजा आया था, चाहे तो आई रही होगी। देखता हूँ अभी तो। आप ये बताओ, ये जो इतने सारे बच्चे आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, बड़े भी फॉलो करते हैं, तो आजकल दिल टूट रहे हैं सबके, हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे कि उनका मन हल्का हो जाएगा? बच्चों को जितने भी लोग देख रहे हैं, तुम्हारा शो बहुत पॉपुलर है, बट क्या है यार कभी दिल लग जाए, दिल टूट जाए, दिल ख़राब हो जाए तो फिक्र मत करो, ज़िंदगी बहुत सारी बाकी है, कुछ छोटा मोटा नुकसान ऊपर नीचे हो तो जो भगवान है, खुदा है, गॉड है और जो नेचर है वो एंड में ना सब कुछ ठीक ही कर देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सब बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसके अंदर मुझे लगा सब लूट गया, सब खत्म हो गया, सब जीरो हो गया, प्लग करते हुए जीरो हो गया, लेकिन यार हर बुरी चीज़ में से कोई अच्छाई निकली है, तो तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा। सही बात, खराब करो, दिल कच्चा मत करो, मन कच्चा मत करो, हमेशा हमेशा खुश रहो। तो बेटा लोग, अगर आपका कोई काम आज रुका हुआ है तो वो कल हो जाएगा, अगर कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, लेकिन रुकना नहीं है, बेबी स्टेप्स आर ऑलवेज बेटर देन स्टॉपिंग। तो इसी के साथ आज का पहला एपिसोड खत्म करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते थे जो शाहरुख खान, पर मेरा फोन उठा लीजिएगा। मुझे तुम्हारी शक्ल से लगता है कि तुम बहुत सारे मिस्ड कॉल मारोगे मुझको यार। ओके थैंक यू, थैंक यू, कट करो भाई। हाँ भाई ये कह रहे तू कल क्यों नहीं आ गए, तेरे 250 रुपये कट दूंगा मैं। और कल आना टाइम से, ठीक है? हाँ सर, रिक्शा में चलते 2 मिनट रुक जाए, मेरा ड्राइवर आ चुका। हाँ उसको बोल देंगे, 3 लोग आ जाएंगे रिक्शा में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी लेकर आ चुका। हाँ तो उसको बोल दो हमारे पीछे रिक्शा में लगा दे। क्या पागल आदमी है यार। अरे मेरे को लाल बत्ती तक तो छोड़ दो, लाल बत्ती तक। सर हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। Hilarious, hilarious, hilarious. बीबी गुवान भुवन was amazing in it. आप देख सकते हैं, शाहरुख खान के सामने बैठे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से अपना किरदार निभाया है ना, ज़बरदस्त। मैं तो हंस हंस के जो है ना, मैं लोटपोट हुआ वहाँ टोटली। शाहरुख खान भी हाजिर जवाबी में उनका मायर नहीं है कोई, लेकिन इन दोनों की जोड़ी और पहली एपिसोड आई थिंक कमाल की, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड कैसी आती है, मगर ये देखने में बड़ा मजा आया। मैं हंस हंस के पागल हो गया जो टीटू के डायलॉग्स थे कि मैं उठता हूँ और एडजस्ट करके सो जाता हूँ। दैट वाज ब्रिलियंट, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है इस तरह के डायलॉग्स बोलने में, जिसमें ह्यूमर भी हो और वल्गैरिटी भी ना हो। तो इसको ओरिजिनल कंटेंट्स बोलते हैं, और दैट्स व्हाई आई लाइक हिम अ लॉट। ही इज़ ओरिजिनल कंटेंट यूट्यूबर इन इंडिया एट द मोमेंट, और जो भी कंटेंट सुनाता है आई थिंक ही क्रिएट्स हिमसेल्फ। तो ये आई जस्ट लव्ड इट। आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब कर लिया है आप तो बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, स्टे सेफ, खुश रहें, गुड बाय।